तूफान आओ लागो। छब्बीस साल के रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोकी। वजह है एक युवा नेता और उसका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। नमस्कार, 2019 का ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। जीता दिखा हुआ या ना कि कोई मैं पद रहा या कोई ये पार्टी रहा, कोई गुलाम तो नहीं, राजपूत एक तरफ छाती ठोका। किसने सोचा था कि अदना सा दिखने वाला ये लड़का एक दिन भारतीय राजनीति में तूफान ले आएगा। से भी टकराते हैं, कभी ये डर पैदा नहीं हुआ कि आपके चक्कर में या तो आप खुद रेस्टिकेट हो जाएंगे या चार लड़के जो पीछे खड़े हो रेस्टिकेट हो जाएंगे। हुए, रेस्टिकेट भी हुए, पर सब यहाँ है, मार्गन कोई लाल बत्ती को नहीं जिसको खोस ले। रविंद्र सिंह भाटी, ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। राजनीति के गलियारों के बड़े से बड़े दिग्गज से लेकर छोटे से छोटे नेता तक सब लोग इस नाम से परिचित हैं। सांसद कैलाश चौधरी की संसद पहुंचने की राह में इस बार सिर्फ रोड़ा नहीं आया है, बल्कि पूरा का पूरा ही रास्ता मानो ब्लॉक कर दिया गया हो। वजह है एक युवा नेता और उसका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। सर्वप्रथम जेएनयू में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रविंद्र ने जीत हासिल कर नए कीर्तिमान स्थापित किए और ये उनकी सबसे पहली उपलब्धि थी और इसी के बाद से उनका चर्चा चारों ओर होने लगा। उस समय के रविंद्र को देखकर एक बात तो जरूर कही जा सकती थी कि ये वो बंदा है जो राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा। फिर समय आया विधानसभा चुनाव 2023। बाड़मेर जैसलमेर की जनता की पहली पसंद थे रविंद्र सिंह भाटी। जनता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर रविंद्र सिंह भाटी ने एमएलए के चुनाव की ताल ठोक दी। इतिहास पुनः दोहराया गया। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की टिकट नहीं मिली थी, उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी रविंद्र को बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दी गई। ये एक सोचने वाली बात थी, इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी टिकट नहीं मिली। मगर शिव क्षेत्र की जनता अपना मन बना चुकी थी, उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को अपना विधायक मान लिया था और वही हुआ। विधानसभा चुनाव 2023 शिव विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल कर एक नया इतिहास लिख दिया। इस विजय के बाद क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर रविंद्र रूपी हवा राष्ट्रीय राजनीति में जा पहुंची। मगर इतिहास में अभी एक और पन्ना लिखना बाकी था, लोकसभा चुनाव 2024। जनता ने रवि को लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकने की सलाह दी और जनता के आदेश को सर आंखों पर रखकर रवि चल पड़ा एक नए युद्ध की ओर। तैयार हो, पक्की बात, लौटा हो। इस बार बाड़मेर जैसलमेर की जनता को पूरी उम्मीद थी कि रविंद्र सिंह भाटी को टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी निराशा हाथ लगी। निचले स्तर के राजनीति के ठेकेदार रविंद्र के राह का रोड़ा बनकर बैठे थे। मगर रवि ना उदय होने से पहले कभी रुका था, ना अब रुकने वाला था। पुनः निर्दलीय के रूप में मैदान में आखड़ा हुआ। मगर अब की बार इस योद्धा की शक्ति का आभास केंद्र सरकार तक था। एक 26 साल के युवा ने भारतीय राजनीति में बवंडर ला दिया था। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर एक 25 साल के नौजवान ने बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े बड़े दलों के पसीने छुड़ा दिए। इसके खिलाफ प्रचार हेतु स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कंगना रनौत, खल्ली, सनी देओल तक जैसलमेर बाड़मेर आ गए थे। मगर जनता को अब इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जनता के अंदर एक रोष था कि इस प्रकार के एक अच्छे और ईमानदार लीडर को बीजेपी टिकट क्यों नहीं दे रही है। मगर फिर भी एक हौसला था कि विजय श्री हमारी होगी। जहां बाकी लोग अपनी खुद की जेब से करोड़ों खर्च करके अपना प्रचार कर रहे थे, वहीं रवि के लिए जनता स्वयं अपने स्तर पर उसका प्रचार कर रही थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो चुनाव रविंद्र सिंह भाटी नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। जो राजपूत समाज हमेशा से बीजेपी का समर्थक रहा, उसने कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार अपनी इच्छा जाहिर की थी, जिसे अनसुना कर बीजेपी ने खुद की बर्बादी के रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दिए। रविंद्र के लिए जनता का इतना प्यार देखकर नेताओं के बीच में खलबली मच गई थी और फिर शुरू हुआ राजनीति का गंदा खेल। देख लिया और 26 तारीख ने भारतीय जनता पार्टी के निशान पे हाथ पे बटन दबाना है, हाथ पे बटन दबाना है। जिस जाति को खुश करने के लिए बीजेपी ने टिकट बांटे थे, उन्होंने ही बीजेपी की पीठ पर छुरा घोंप दिया। सभी जातिवादी एक हो चुके थे और इधर रवि अकेला 36 कौम को साथ लेकर चलने की बातें कर रहा था।
आगामी लोकसभा चुनाव रमीना ये छत्तीसगढ़ कौमी जनभावना ना देखते हुए चुनाव लड़ रहे। पहली बार एक अच्छे नेता के लिए राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और इसका खामियाजा बीजेपी ने खूब भुगता। जो यूपी और राजस्थान बीजेपी के मुख्य गढ़ हुआ करते थे वहीं पर बीजेपी को सबसे बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। धर्म युद्ध करने वाला रवि आखिर इस राजनीति के गंदे खेल में हार तो गया, मगर ये हार नहीं थी, ये एक विजयश्री थी। वो विजयश्री जो सदियों सदियों तक याद रखी जाएगी। मैं हमेशा से कहता हूं कि रवि इस युग के अभिमन्यु है। जिस प्रकार से द्वापर युग के अभिमन्यु को हराने के लिए सभी लोगों ने अपने धर्म का त्याग कर दिया था, एक अकेले के सामने बड़े बड़े महारथी एक होकर लड़ रहे थे, मगर फिर भी वो अटल खड़ा था। और उसी प्रकार से आज के युग में रवि अभिमन्यु के रूप में उन सबसे लड़ा। अभिमन्यु तब भी विजेता था, अभिमन्यु आज भी विजेता है। धन्यवाद।